अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत से यूजफुल सेंटेंसेस का यूज़ किया है जिनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप बआसानी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम किससे पंगा ले रहे हो? इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया हु यू आर मैसिंग विद? डू यू हैव एनी आइडिया हु यू आर मैसिंग विद? तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम किससे पंगा ले रहे हो? डू यू हैव एनी आइडिया हु यू आर मैसिंग विद? शायद तुम जानते नहीं वो कौन है। परहैप्स यू डोंट नो हु ही इज। Perhaps you don't know who he is. शायद तुम जानते नहीं वो कौन है। किसी ने उसे कभी छूने तक की हिम्मत नहीं की, या किसी ने उसे कभी टच तक नहीं किया। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? No one has ever dared to even touch him. No one has ever dared to even touch him. किसी ने उसे कभी छूने तक की हिम्मत नहीं की। No one has ever dared to even touch him. वो बहुत खतरनाक है। He is very dangerous. He is very dangerous. वो बहुत खतरनाक है। ऐसा कौन कर सकता है? Who the fuck can do that? Who the fuck can do that? ऐसा कौन कर सकता है? Who the fuck can do that? हाँ, मैंने भी ये कहानियां सुनी हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? या आई हैव हर्ड दीज स्टोरीज एज वेल। या आई हैव हर्ड दीज स्टोरीज एज वेल। हाँ, मैंने भी ये कहानियां सुनी हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। दीज आर नॉट जस्ट स्टोरीज। दीज आर नॉट जस्ट स्टोरीज। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था? काफी यूजफुल सेंटेंस है। यू नो व्हाट हैपेंड वंस। यू नो व्हाट हैपेंड वंस। तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था? यू नो व्हाट हैपेंड वंस। तुम्हें लगता है वो अब रुकेगा? इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू थिंक ही विल स्टॉप नाउ। यू थिंक ही विल स्टॉप नाउ। तुम्हें लगता है वो अब रुकेगा? यू थिंक ही विल स्टॉप नाउ। जब तक वो हम सबको मार ना दे वो नहीं रुकेगा। ही वॉन्ट स्टॉप अंटिल ही किल्स अस ऑल। ही वॉन्ट स्टॉप अंटिल ही किल्स अस ऑल। जब तक वो हम सबको मार ना दे वो नहीं रुकेगा। तैयार हो जाओ वो आ रहा है। गेट रेडी ही इज कमिंग। गेट रेडी ही इज कमिंग। तैयार हो जाओ वो आ रहा है। गेट रेडी ही इज कमिंग। अगर तुम मुझे जानते होते, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ यू न्यू मी। इफ यू न्यू मी। अगर तुम मुझे जानते होते तो वो कभी नहीं करते जो तुमने मेरे साथ किया। यू वुड नेवर डू व्हाट यू डिड टू मी। यू वुड नेवर डू व्हाट यू डिड टू मी। तुम वो कभी नहीं करते जो तुमने मेरे साथ किया। यू वुड नेवर डू व्हाट यू डिड टू मी। देखो मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई, या देखो मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है। इसके इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लुक आई नो आई मेड अ मिस्टेक। लुक आई नो आई मेड अ मिस्टेक। देखो मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई। लुक आई नो आई मेड अ मिस्टेक। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इफ पॉसिबल प्लीज फॉरगिव मी। If possible, please forgive me. अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। If possible, please forgive me. उसे अपना काम खुद करने दो। Let him do his job by himself. Let him do his job by himself. उसे अपना काम खुद करने दो। काफी ज्यादा यूजफुल सेंटेंस है ये, इसे हम काफी यूज करते हैं। Let him do his job by himself. उसे अपना काम खुद करने दो। उनके काम में दखल अंदाजी मत करो। डोंट इंटरफेयर विद देयर बिजनेस।
डोंट इंटरफेयर विद देयर बिजनेस, उनके काम में दखल अंदाजी मत करो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट इंटरफेयर विद देयर बिजनेस। तुमने गाड़ी का क्या किया? वट हैव यू डन टू द कार? वट हैव यू डन टू द कार? तुमने गाड़ी का क्या किया? वट हैव यू डन टू द कार? वैसे मैं उसे ठीक कर सकता हूं। बाय द वे आई कैन फिक्स दिस। बाय द वे आई कैन फिक्स दिस। वैसे मैं इसे ठीक कर सकता हूं। बाय द वे आई कैन फिक्स दिस। अगर तुम चाहो तो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओनली इफ यू वॉन्ट टू। ओनली इफ यू वॉन्ट टू। जब ये ठीक हो जाए तो मुझे बता देना। लेट मी नो व्हेन इट्स फिक्स्ड। लेट मी नो व्हेन इट्स फिक्स्ड। जब ये ठीक हो जाए तो मुझे बता देना। लेट मी नो व्हेन इट्स फिक्स्ड। ये कल तक ठीक हो जाएगी। इट विल बी फिक्स्ड बाय टुमारो। इट विल बी फिक्स्ड बाय टुमारो। ये कल तक ठीक हो जाएगी। इट विल बी फिक्स्ड बाय टुमारो। कल रात हम एक पार्टी कर रहे हैं। ये कल रात हम एक फंक्शन कर रहे हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो नाइट। वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो नाइट। कल रात हम एक पार्टी कर रहे हैं। वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो नाइट। अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू कैन कम इफ यू वॉन्ट। यू कैन कम इफ यू वॉन्ट। अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अब जाना होगा। प्लीज डोंट माइंड बट आई हैव टू गो नाउ। प्लीज डोंट माइंड आई हैव बट आई हैव टू गो नाउ। प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अब जाना होगा। प्लीज डोंट माइंड बट आई हैव टू गो नाउ। वो कब से बीमार है? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इल। How long has she been ill? वो कब से बीमार है? मुझे नहीं पता वो कब से बीमार है। I don't know how long she has been ill. I don't know how long she has been ill. मुझे नहीं पता वो कब से बीमार है। तुम्हें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? You will know everything soon enough. You will know everything soon enough. तुम्हें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। You will know everything soon enough. तुम यहाँ नए लगते हो। You seem to be new here. You seem to be new here. तुम यहाँ नए लगते हो। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा? इसकी इंग्लिश क्या होगी? How many times do I have to tell you? How many times Do I have to tell you? मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा? दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।